देख सकते हैं डुमना नेचर रिजर्व, इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है यहाँ पे। अगर आपको डुमना एयरपोर्ट जाना है तो देखिए वो है रास्ता सीधा, ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला आपको गन कैरी छड़ से ये एक कैनन जा रही है। ये है आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया, ये वो ऊपर आप देख रहे होंगे मंदिर दिख रहा है मंदिर, और ये जो सामने आप मेरे रेलवे लाइन देख रहे हैं, पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनते थे शक्तिमान ट्रक, उनकी टेस्टिंग होती थी। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जीसीएल फैक्ट्री गन कैरी फैक्ट्री 1904 लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं मोस्ट फेमस साइंस कॉलेज चौराहा, आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये देख सकते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज, ये शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं RDVV यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, 1957 में बनाई गई थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जबलपुर। रात को आप लोगों ने देखा जबलपुर पहुँच चुका था, फिर समझे गए घर पे आए खाना पीना, और फिर रात को तकरीबन 11:30 के आसपास सो गए, बहुत ठंड लगी थी। अभी भी थोड़ी सी है, 320-330 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला के आप लोगों को खाता नहीं दिए देख पाए, इसलिए कल रात को आए और आगे सीधा सो गए। अब सुबह उठे और देखते आज का क्या प्लान है, मोस्ट प्रोबेबली मानिए कि आज तो जबलपुर का आपको लोकल टूर करवाऊंगा, साइट सीइंग करवाऊंगा। अब चार डायरेक्शन में सब दूर दूर है, चारों डायरेक्शन में अगर एक तरफ जाऊंगा तो दूसरी तरफ भी जाऊँगा, इसलिए देखता हूँ कहाँ पर जा सकता हूँ, क्या कवर हो पाता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके बाय। अभी जो आप जगह देख रहे हैं मेरे सामने, ये है आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया, पूरी इंडस्ट्री से आप देख सकते हैं दोनों तरफ। अब तो फिर भी बहुत डेवलप हो गया है, मुझे जबलपुर छोड़े तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और जब हम कॉलेज में थे उस समय तो ये मतलब एकदम वीरान बंजर टाइप पड़ा रहता था। और अगर मेरे बैक साइड आप एकदम स्ट्रेट चले जाएंगे, पीछे मेरे अपोजिट साइड चले जाएंगे, तो आप पहुँच जाते हैं आधारताल। तो ये टिम्बर इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज, यही सब मिलेंगे, रबर इंडस्ट्रीज है। पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है, ये देखिए ये होलसेल फर्नीचर का होलसेल मार्केट है खंडेलवाल का, और काफी मिन्नतों के बाद बना हुआ एक ओवरब्रिज जिसपे अभी हम जाने जा रहे हैं। अभी इसको रेलवे वालों ने हटाया, अभी इसको व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने हटाया, और ये जो सामने आप मेरे रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये है जबलपुर इलाहाबाद मोस्ट फेमस रेलवे लाइन, या ये रेलवे लाइन मध्य प्रदेश की पहली रेलवे लाइन है जो अंग्रेजों के समय बिछाई गई थी। मेरे ख्याल से मुझे जितना याद आ रहा है 1887 में या 1878 में इस रूट का निर्माण हुआ था। अगर आप इधर जाते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन आता है, और आप मेरे पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको कटनी इलाहाबाद, कटनी सतना मैहर इलाहाबाद जौनपुर बनारस का रूट मिलता है। अगर आप इधर जाते हैं तो जबलपुर इटारसी खंडवा मुंबई पुणे ये वाली लाइन मिलती है। ये और बनिया पहले पे यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी। आप जिस रोड पे हम जा रहे हैं इसे कहते हैं टेस्टिंग रोड,
टेस्टिंग किस चीज़ की टेस्टिंग होती है? पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनते थे शक्तिमान ट्रक्स, उनकी टेस्टिंग होती थी। टेस्टिंग इस रोड पर नहीं होती है, टेस्टिंग के लिए वो अंदर सर्किट बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ये अंदर सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर टेस्टिंग होती थी। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे थे तो इतना ज़्यादा नहीं था, ये हम लोग यहाँ पे बैठ के देखते थे। बहुत तेज़ से शक्तिमान ट्रक ड्राइवर लेके आते थे, ब्रेक मारते थे, एक्सीलरेट करते थे। और वो जो ट्रैक रेलवे ट्रैक मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, वो हमारे लेफ्ट में चल रहा है, आप देख सकते हैं ये वही रेलवे ट्रैक है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे चुकी चौकी। अगर आप मेरे लेफ्ट में आते हैं तो आप जाएंगे रांची की तरफ और हम स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब अब हम जीसेफ एरिया में एंटर कर रहे हैं। गन कैरियर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट 1904 में हुआ था। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला आपको गन कैरिज फैक्ट्री, ये एक कैनन जा रही है, ये टोड आर्टिलरी है और इसी में जो आपने जो धनुष गन का नाम सुना होगा वो यहीं पे, मतलब उसकी आरएनडी हुई है और उसका मैन्युफैक्चर हुआ है, अभी चली रही है। एक मेरे ख्याल से 155 mm की है और उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 45 किलोमीटर के आसपास है, 38 तक तो थी बट आर्मी ने उसको अपग्रेड करने को बोला है, अब वो अपग्रेड की जा रही है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जीसीएफ फैक्ट्री गन कैरिज फैक्ट्री 1904 लिखा हुआ है। मेरे राइट हैंड साइड पर उसकी सीएचडी कैंटीन है, ये देखिए यूनिट कैंटीन सीएचडी। ये यहाँ बहुत फेमस पाट बाबा मंदिर है, मतलब बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ पे पाट बाबा के नाम से इसे बोला जाता है। यहाँ पे आपको पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, यहाँ पे 2 केंद्रीय विद्यालय हैं। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ये है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, ये देख सकते हैं आप। अब हम आ गए हैं मोस्ट फेमस साइंस कॉलेज चौराहा, आप देख सकते हैं मेरे सामने। अगर कोई बंदा साइंस कॉलेज या जबलपुर का होगा तो उसे पता होगा ये चौराहा क्यों फेमस था। आप मेरे राइट में जाएंगे तो जबलपुर रेलवे स्टेशन है। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये है महाकौशल कॉलेज, पहले ये दोनों एक ही कॉलेज थे, रॉबर्टसन कॉलेज अंग्रेजों के ज़माने में बने हुए हैं, बाद में फिर इसे कॉमर्स, ये देख लीजिए आर्ट्स एंड कॉमर्स का कॉलेज कर दिया महाकौशल, और ये बचा हमारा बेचारा गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज। इसके आगे आप जाएंगे तो पड़ेगी RDBB यूनिवर्सिटी, जिससे ये सारे कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं। ये देख सकते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर।
और ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था साइंस कॉलेज का। फेमस दुकान हुआ करती थी गुम्मन के समोसे की दुकान, अभी भी आप देख सकते हैं लोग अब बैठे हुए हैं। इतने फेमस समोसे थे यहाँ के ना कि पूरा साइंस कॉलेज, आर्ट्स, नवयोग वहाँ से लड़के आते थे यहाँ समोसे खाने, और बेचारे दिन भर बनाता ही रहता था समोसे। और भाई साहब अब हम आ चुके हैं RDVV। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार 2। अगर आपको डुमना एयरपोर्ट जाना है तो देखिए वो है रास्ता सीधा ये है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं RDVV यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, 1957 में बनाई गई थी। अब डुमना यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है बस। और भाई साहब अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है डुमना नेचर्स पार्क, जो जबलपुर का एयरपोर्ट है डुमना वो भी वहीं पे है, और एक यहाँ का सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे हम कहते हैं हितकारिणी इंजीनियरिंग कॉलेज, HCET, हितकारिणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो भी वहीं पर है। यहाँ पर सारे IAS IPS मिल जाएंगे, जजों को रहने का पूरा एनक्लेव बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए आर्मी एरिया शुरू हो गया, सिग्नल्स रिकॉर्ड। घूम के जा रहा है ना, डुमना नेचर पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अरे बहुत शानदार तरीके से क्रिकेट मैच चल रहा है, देख सकते हैं डुमना नेचर रिजर्व, इंडियन कॉफी हाउस भी है यहाँ पे, तो खाने पीने की भी समस्या नहीं होगी। टिकट का पूछते हैं एक बार और देखते हैं कैसा क्या है ना। इधर लगा है,